रजनीश चौधरी, हेलो अंजन चंद्रवंशी, राजू कुमार, हेलो हेलो भाई, राहुल साव, जय हो। सब लोग जुड़ जाइए, पहले कुछ विशेष बात करना है आज, और सभी लोग एक वो शेयर जरूर लगाइए ताकि सब भाई लोग जुड़ जाए। माधव रॉयल्स, मयंक सिंह, क्या हाल है? बढ़िया भाई। धीरज कुमार, हेलो। आदित्य विश्वकर्मा जी, नमस्ते नमस्ते भैया। यदुवंशी छोरा बाबू, संतोष यादव, जय हो। गोपाल सिंह भूमिहार, जय हो। सोनू कुमार, लव यू लव यू लव यू। प्रफुल्ल प्रताप यादव, कैसे हैं भैया? बढ़िया भाई। सब लोग जुड़ जाएं और एक वो शेयर लगाइए जरा सब लोग, ताकि सब लोग के पास पहुंच जाए। कुछ बात बा विशेष आप सबसे करें कि सब लोग जुड़ जाइए, फिर करते हैं। मुन्ना चंद्रवंशी, हाउ आर यू? बढ़िया भाई बढ़िया बानी। रोहित सिंह, सुपर हिट। अविनाश यादव, हेलो हेलो भाई। राजपूत हर्षित चिंगारी, लव यू भाई। किशोर कुणाल, लव यू बाबू भाई। कहिया बोल के गाली दे रहा है इसको। हाँ, ओकरे पे बात करेगा भाई। और भी कुछ बात हुआ? सौरभ चौधरी, भोजपुरी प्रचारक, विनय यदुवंशी, कुछ बात करना है भाई। भाई जरूर, आप सबके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया हुई। और आप सब जितने मेरे ईश्वर स्वरूप दर्शकगण हैं, सबको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। मनीष सिंह, राजू चौधरी, लव यू सरदार जी, कैसे हो बाबू? गोलू गोल्ड, गुंजन भैया, नमस्ते नमस्ते भाई। विकास कुमार, मुकेश चौबे, सन्नी प्रताप सिंह, लव यू। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। अब आप लोग जुड़ चुके हैं और भी भाई लोग सब जुड़िए जल्दी से, और सब लोग एक वो शेयर मारी जरिए सब जगह पहुँचे, सब लोग जुड़े, ताकि कुछ विशेष बात बा जो आप सबके बीच में हम कहल चाहतनी। अभी का जो समय चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि एक से एक मुद्दा चल रहा है। बाकी हम लोग अपना काम करते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं, काम करना ही मुख्य धर्म है। तो हम लोग गाना बनाते रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत मुश्किल से गाना भी बन रहा है। अब धीरे धीरे ढिलाई हो रहा है तो हम लोग फिल्म का भी काम शुरू करेंगे। बाकी इसी में कोनो लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब क्या कहें हम। जब मैं एक वीडियो देखा 2-3 दिन पहले से ही, मेरे पास टाइम नहीं था कि हम लाइव आते, लेकिन बहुत दुखित हूँ इस बात से कि इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे लिए किया जा रहा है। ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। और वो लोग शेर बन रहे हैं ये बोल के, हमको ही समझ में नहीं आता है कि बोल के क्या होगा। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो करते रहेंगे। भाई तू कतनों कुछ बोलला, कुछ होखे वाला नहीं खे। मैं उसका बात कर रहा हूं जो दो लड़के हैं गया के, मगहिया जवान नाम के कोई फेसबुक चलाते हैं। उन भाई से मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग उसका वीडियो देखे होंगे जो गाना बजा बजा के जिस प्रकार से वो गाली दे रहा है, क्या यह सही है बताइए? मतलब कि क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? इससे क्या हो जाएगा? पूरे मगध मुझे प्यार करता है, पूरे भोजपुरी परिवार मुझे प्यार करता है, पूरे देश मुझे प्यार करता है। तेरे कहने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप लोग देखे होंगे उस वीडियो में कि माई बहन के गाली दे रहा है। बताइए
मेरे में तो संस्कार नहीं है कि मैं उसको गाली दे सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। उसके जैसे हम बन नहीं सकते ना, उस टाइप का काम मेरे से होगा ही नहीं। मैं वैसे शब्दों का बोल ही नहीं सकते, वैसे शब्द जिस प्रकार के शब्द का वो प्रयोग किया है वो दो। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मगही भाषा पहले इतना गाना हम गौनी, पहले क्यों कुछ भाषा के कुछ ऐसा गाना आवत रहे, कोनो बढ़िया गाना कोई गाना आवत रहे। मैंने इतना मेहनत किया, एक एक गाना को गाया, ककोलत के झरना से जो स्टार्ट हुआ गाना, आज 200 मगही गाना मैं गा चुका हूँ और 200 के 200 हिट है। भोजपुरी मगही दोनों को हम लेकर चल रहे हैं, सैड सॉन्ग। जब इस मुकाम पे मगही पहुंच गया है कि पूरे इंटरनेशनल कहाँ नहीं बजता है मगही, देश विदेश हर जगह बजता है मगही गाना, और उस गाने से आज मगही का इतना स्तर बढ़ा है, मगही भाषा को आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग का इतना स्नेह प्रेम मिला कि हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उस पे। अभी हम फिल्म भी बना रहे हैं मगही भाषा में। क्या यही दिन देखने के लिए कि आज जब मगही स्टैंड हो गया तो कुछ लोग आकर मुझे गाली दे, कुछ से कुछ बोल के चला जाए? बताइए आप लोग कि माई बहन के गाली देता ये केहू से बर्दाश्त हुई का? गाना बजा रहा है कि मैंने तो गाना तो बहुत सारा मैं गाया हूँ, अभी गाया करोनवा लेता जनवा, इसके बारे में तुम क्यों नहीं बोलते हो? बबुआ मरल भूख से पिछले साल गाया था, 112-13 मिलियन हो चुका है, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? इतना बड़ा गाना। मैं ये सोचता हूँ भाई, मुझे क्या कहूँ मैं उन लोगों के बारे में कि इस प्रकार के शब्दों का चयन किया है मेरे। आप लोग देखे होंगे, चाहे कोई नहीं देखे होंगे, 10 लाख से ऊपर लोग देख चुका है, तो अपना यूट्यूब चलाने के लिए, अपना फेसबुक का फॉलोअर बढ़ाने के लिए किसी को गाली दोगे? इससे क्या हो जाएगा? तारा कहे से गुंजन सिंह के चाय वाला कम हो जाई? गुंजन सिंह को दिल में रखा है लोग, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और जवाब दे रहे हैं लोग। मैं देखा हूं कल से लगभग 500 पोस्ट हो चुका है, मैं फेसबुक देख रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं लाइव नहीं आ सका, आज मैं लाइव आया हूं। तो उसको जवाब लोग दे रहे हैं और कमेंट्स में भी उसको हजारों गालियां लोग दे रहे हैं। ऐसा काम क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो ऐसा काम जिससे कि अश्लीलता तो तुम फैला रहे हो हर जगह? अब तुम बताओ, तुम फेसबुक पे आके हर कलाकार को गाली दे रहे हो, मुझे दिए हो, उन्हें दिए हो, बहुत सारे कलाकार के बारे में तुम वीडियो बना रहे हो, क्या जताना चाहते हो? परेशान मत करो भाई, परेशान मत करो। और का कहता रहा कि मगध में प्रोग्राम करे वह, तब बता देव तार गांव में प्रोग्राम करब, ठीक ना? हमारा लागत तारा हमारा पास पहुंचे में ना, 2 किलोमीटर के दूरी रही, वहां पास ना पहुंच पेबा, ठीक ना? कोई हलुआ गुंजन सिंह नहीं है कि बोल के कुछ भी चले जाओगे। मेरे चाहने वाले इतने हैं ना कि मैं तो दूर हूं भाई, मैं तो नहीं पहुंचूंगा। अभी मेरे भाई लोग इतने हैं चाहने वाले कि तुम्हें बता देंगे औकात कि क्या होता है किसी को गाली देना, किसी के माँ बहन के बारे में बोलना। गाना बजाओगे और उसमें बोलोगे किसकी बहनियां सुनती है, उसकी मैया सुनती है? तुम कौन होते हो, तुम क्या हो? कुछ भी बोल के चला जाओगे कोई भी? इतना एक से एक गाना मैं गाया, इतना सैड सॉन्ग गाना गाया, इतना मगही में जितना भी गाना गाया हूं, कौन सा अश्लील गाना है? एक गाना मैं गाया था बहुत पहले कुछ, उसको लेकर चर्चा पे चर्चा कर रहा है, कुछ से कुछ बोल रहा है। प्रोग्राम करिए मगध में आके बता देंगे। प्रोग्राम तो हम हर जगह करेंगे, तारोकात नहीं कि गुंजन सिंह के गाड़ी के आसपास भी आ जाएगा, ठीक ना?
तू सुना थोकबा चाहे बाद में सुनबा तो सुन लिया। तू कहला गया हमर घर है तो हमर घर जहानाबाद, तो जहानाबाद में मेरा आज भी एक घर है। नोआमा गांव में मेरा पहले घर था, आज भी एक टूटा फूटा घर मेरा नोआमा गांव में है, और ऐसे नवादा जिला में अभी परमानेंट घर है भवनपुर। मैं तो कहता हूं भाई कि आप लोग इसको बता दीजिए कि गुंजन सिंह का पावर क्या है और गुंजन सिंह के चाहने वाले का पावर क्या है, इसको बताना पड़ेगा। आप लोग सभी भाई बंधु मिलके इसको खोजिए और इसको पुलिस के हवाले किया जाएगा कि ताकि ऐसे ऐसा गलती फिर से कभी ना करे और किसी कलाकार के बारे में लनफन ना बोले। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये गाना बनाए, वो फिल्म बनाए, ये गाना बनाए, और ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। कुछ बोल देगा कभी कुछ, एगो आ गया है यूट्यूब आजकल, यूट्यूब और फेसबुक कुछ बोल देगा, कुछ डाल देगा लोग। मेरे लिए सभी जाति के लोग एक समान हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, यादव हो, कुशवाहा हो, एनी बडी कोई भी जाति हो, हमारे लिए सब मेरे भाई हैं, मेरे सभी लोग सुनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम गुंजन सिंह हैं, सिर्फ सिंह सुन रहे हैं, हमें सब लोग सुनते हैं, मुझे सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये क्या मतलब है कि तुम कोई भी आदमी आके लाइव आ जाएगा फेसबुक पे, कुछ भी लिख देगा, गाली देगा, ऐसा संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता? मैं ऐसा नहीं हूं असंस्कारी कि मैं कुछ बोल सकता हूं, मैं जब भी बोलूंगा तो बढ़िया ही बोलूंगा भाई। हम तो समय देता नहीं तारा के कि सुधर जाओ। अब मगही भाषा बहुत टॉप लेवल पर पहुंच चुका है, ठीक है। पवन भैया से बात हुआ, वो भी मगही भाषा के पूरे सभी कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, मगही भाषा को सम्मान दे रहे हैं। मतलब हम दिन रात मेहनत करें, फिल्म बनाए, गाना बनाए, और कुछ भी बोल के चले जाओगे भाई? मैं कह रहा हूं सुधर जा, न तो लोग तोरा के सुधार दी बढ़िया से। अब मगही में मैं बोलता हूं सुधर जो भाई, न तो सुधार दो तो लोग तोरा के, ठीक ना। तोरा फेसबुकवा पर से ये अपना फॉलोवर बढ़ावे के कारण, फॉलोवर बढ़ाने के चलते, यूट्यूब पर अपना व्यू बढ़ाने के चलते तुम गुंजन सिंह को करियाओगे? बस चाहेंगे ना तो तारा तुरंत खोज लेंगे, ठीक ना। लेकिन मेरे भाई लोग, मेरे चाहने वाले करोड़ों में हैं, इस बात का ध्यान रखो भाई, कुछ बोलने से पहले दिक्कत हो जाएगा। और हमार प्रोग्राम और हमार रथ क्षमता नहीं के रोके तारा, तारा गांव भी आई ना, तो तार गांव में मेरे चाहने वाले इतने हैं, तारा अंदाजा ना रहे, पहुंच ना पेवा हमारा पास। और मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैं समझा रहा हूं कि समझ जाओ, अभी भी समय है। किसी भी कलाकार के बारे में बोलने से पहले एक बार सोचो, चाहे वो कोई भी जाति का कलाकार हो, कि क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तुम ईश्वर नहीं हो और तुम मुख्यमंत्री नहीं हो बिहार के, वो लोग भी सोच समझ कर बोलते हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जब मन करे कुछ भी बोल दे, कुछ भी लिख दे, भड़ुआ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, माँ बहन के लिए गाली दे रहे हो, क्या हलवा समझते हो क्या कलाकार को? इतने चाहने वाले हमारे भाई सब हैं, छोड़ी ना तुहरा, ठीक ना। हम तो काम करब भाई, बाकी तू लोग जरूर देख लिया है करा के, मगर यह जवान के दूगो लड़का आयल बा जे डिस्टर्ब करता, गाड़ी देता सब कलाकार के, अपन फॉलोवर बढ़ावाता, अपन यूट्यूब के फॉलोवर बढ़ावाता। अरे भाई फॉलोवर ही बढ़ाना है तो कोई बढ़िया काम करके बढ़ाओ ना। आज मगही को जब स्टैंड हो गया मगही, तब उस पर तुम लोग टिप्पणी कर रहे हो कि ये हो गया, वो करना चाहिए, ऐसे होता वैसे होता, पहले से कहाँ गए थे?
भोजपुरी मगही दोनों बहन हैं, ठीक ना? और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि अच्छा गाना ही गाएं और हमेशा अच्छा गाना गाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ, अरे पहले कुछ रस ना रही गाना में तो क्यों गाना सुनेगा, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए गाना में। ऐसा मैं कभी ये नहीं गाया कि ये वो, ऐसा गंदगी कभी हम गाने के पक्ष में भी नहीं रहते और ना गाएंगे। युवराज सिंह गुड गुड, नवीन कुमार यादव लव यू भाई, गुंजन भैया पहले सचिन सुपर, सभी भाई मिलकर इसका मतलब अगर आप बतावे के बाद अन्य तो भाई अभी सुधर जा, हम तहरा जैसा भाषा की प्रयोग ना करब, काहे कि मुझे देखने वाले पूरे देश में से हैं और मैं ये गलत बात कभी बोल ही नहीं सकता हूँ किसी के भी बारे में। भैया सुधर जा और किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और बिहार में मगह में तुझे सोचते हो तुम लोग भाई कि हम आएंगे प्रोग्राम नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, तो ये सब बात बोल के कोई फायदा नहीं है। प्रोग्राम तो तार गांव में हम करब, ठीक ना? गया नवादा जहानाबाद नालंदा शेखपुरा लखीसराय जमुई जहानाबाद पटना, पूरे बिहार के जितना जिला है पूरे देश मेरे साथ है, ठीक ना? गयों में प्रोग्राम करब, तरगाओं में करब प्रोग्राम। किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचो भाई, दुगो वीडियो बना के भ्रमित मत करो, किसी लोग को परेशान मत करो, क्योंकि मैं तो देखा भी नहीं था, मेरे चाहने वाले इतने हैं, मेरे भाई सब, वो सब खुद इतना एक्शन ले लिए, तारा पता चल गई लोग कितना गाली देले वा सब, ठीक ना? ठीक से रहा, अपना काम करा, केहू के बारे में गलत मत बोला। गुंजन भैया को झारखंड में जाने वाला बहुत लोग हैं। जियो मेरा भाई, बहुत अच्छा भाई, पूरे झारखंड भी मुझे बहुत प्यार करता है, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद आप सबके कि मगही गाना को झारखंड में भी पूरा सुना जाता है। बिहार में आरा बक्सर छपरा सीवान कहाँ नहीं कि मगही बाजत, सब लोग प्यार कर रहे हैं। अरे ये भी तो भाषा है, जैसे पंजाबी भाषा को हम लोग सुनते हैं यहाँ, क्या हम लोग का भाषा है? ये तो मेरा भाषा है, हर 50-100 किलोमीटर पे भाषा थोड़ा थोड़ा चेंज है बिहार का, इसलिए मगही को भी प्यार आप लोग पूरा करिए, पूरे देश प्यार करे और भोजपुरी को भी प्यार करे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। आप सब ऐसे ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, काम करते हैं भैया, आप लोग थोड़ा सा इस सब पर भी ध्यान देना है, कौन क्या क्या कर रहा है उस पर भी थोड़ा सा एक्शन लेना है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग मेरे ईश्वर हैं, आप लोग हमेशा प्यार सम्मान असही बनौले रहें और शक्ति देते रहें ताकि हम सब काम करते रहें भैया। अभी मैं एक गाना गाया कोरोना वाला, आप लोग देखे ही होंगे, शादी का एक से एक गीत गुंजन सिंह इंटरटेनमेंट पे, हमारे जो चैनल बा उस चैनल पे लगातार गाना आवा था शादी के, जो कि मैं नवादा में इसका शूटिंग किया हूँ अपने नानी घर में देवधा में, एक से एक गाना जो कि अभी बहुत सारा छूटने वाला है, भाई बहन पे गाना, फूआ मौसी फूफा लघर पानी के गाना, मतलब जो भी नियम विधि है हर गाने को मैं बनाया हूँ बहुत दिल से और वो सब रिलीज होगा। भाई भाई यूपी भी हमारे, अरे बिहार यूपी और झारखंड तो ये कहीं ना है भाई, सब हमारे लिए दिल से प्यार करते हैं।
अभिजीत राठौर, गर्दा हुई भैया, जरूर भाई जरूर, जियाओ भाई। बस यही कहने के लिए मैं आया था भैया, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है, फिर हम रिकॉर्डिंग करने जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप सब बस प्रेम स्नेह बना के रखिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो लोग गलत बोले, चाहे मेरे बारे में बोले, चाहे किसी भी कलाकार के बारे में बोले, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, हम कलाकार हैं, हमारे लिए सब एक समान है। सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ और दिल से प्यार करता हूँ, कोई दिखावा नहीं है मेरे लिए। अप्पू सिंह राजपूत, जय हो। हर्ष बॉय स्मार्ट, लव यू भैया, उत्तर प्रदेश भी आपसे प्यार करता है। अरे मेरा भाई एकदम, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, और एक फिल्म का शूटिंग मेरा स्टार्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। तो आप सब, 13 करोड़ है दीवाना गुंजन भैया, लव यू मेरा भाई अरुण कुमार, मुकामा कब आ रहे हैं रविराज, सुन लो। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा गाना है मार्केट में, रात रात भर नहीं सोते हैं, 3 बजे 4 बजे सोते हैं, कभी कभी रातों भर जागले रहते हैं कि कुछ अच्छा हो। जीवन में जब इस क्षेत्र में आए हैं तो कुछ एक से एक गाना आवत रहे। मैं एक गाना गाया था कि काटोगे जब हरे वृक्ष तो हवा कहाँ से पाओगे। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ कि समाज को एक संदेश मिले। अभी भी बहुत सारे गाने हम लेकर आ रहे हैं जो कि एक अलग है, बोलबम का गाना, गुंजन सिंह इंटरटेनमेंट हमारा चैनल बा, जो आप सब बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद इसको दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सबके। बाकी हर चैनल से गाना आई और प्रेम स्नेह बने बने रहा आप सब। लव यू लव यू, रवि कुमार यादव भाई की जय, जय हो मेरा भाई। कैसे हैं, यू आर स्टूडेंट ऑफ गोपाल सर अकबरपुर। अरे हाँ भाई, भाई गोपाल सर से हम पढ़े हैं, अकबरपुर के हैं, बहुत अच्छे मैथ के टीचर हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। सर को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। मैं जान क्या बोल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ भैया, मेरे बारे में गलत मत बोलिए। और बाकी आप सब देख लीजिए, मैं किसी से लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं एक काम करने आया हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, हम प्यार मोहब्बत बांटने आए हैं। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, लोग सुधार करें और बेमतलब का बात ना करें। और बाकी आप सब देख लीजिए, मैं आप सब पर छोड़ दिया हूँ, मैं काम करता हूँ, देखेंगे आप लोग, बस आगे इसके आगे हम क्या बोलें। आप लोग देखिए, मैं अपना काम करता हूँ, गाना बनाता हूँ, फिल्म बनाता हूँ, आप लोग अपना जे जैसन बोला था, जे जैसन करा था, ओकरा उहे जवाब दी ओकरो। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं, प्रणाम।